आखिर मीडिया को गोदी बनाने वाला नरेंद्र मोदी का वो आदमी कौन है उसका खुलासा किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शायद ये पहली बार हुआ है किसी ऑपोजिशन लीडर ने डंके की चोट पर बेबाक तरीके से उस शख्स का नाम लिया हो प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक सज्जन काम करते हैं मीडिया एडवाइजर हैं शायद हिरेन जोशी जी मीडिया एडवाइजर है हिरेन जोशी जी है, एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे बड़े बड़े चैनलों के हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक उनके एडिटर्स उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं वो केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर दो, कर रहे हो हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना कर क्या धमकियां दे रहे हैं वो ऐसे देश चलाएंगे ऐसे धमकियां देंगे फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट जो जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे इस देश के अंदर और ये जो आप धमकियां देते हो ना कईयों ने रिकॉर्डिंग करके रख रखी है आपकी अगर किसी दिन किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल दी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे बंद करो ये गंदगी बंद करो इस तरह से मीडिया को धमकाना किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं ट्विटर पर और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या नोएडा मीडिया में अब यह हिम्मत है कि अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल खड़ा किया है जो बात पूछी है और जिसका नाम लिया है उसको दिखा सके क्योंकि अगर दिखाना शुरू किया अगर आप डिनाई भी करने लगे कि जी नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है क्योंकि पूरा का पूरा सवाल जो है वो सभी चैनलों के संपादकों से जुड़ा हुआ है अगर वो डिनाई करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ है तो वो एक तरह से इस खबर को इस नाम को घर घर तक पहुंचा देंगे क्योंकि चाहे डिनाई कर रहे हैं लेकिन वो नाम तो पहुंच जाएगा और दूसरा अगर वो साइलेंट रहते हैं वो चुप रहते हैं इसका मतलब ही है कि जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है तो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि मुझे तो कई संपादकों ने ये दिखाए हैं किस तरह के मैसेजेस हिरेन जोशी उनको भेजते हैं सिर्फ मैसेजेस नहीं बल्कि गालियां अपशब्द लिखकर भेजते हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कंट्रोल करते हैं मीडिया को ये मीडिया को कंट्रोल करते हैं उनको बताते हैं किस तरह की खबरें चल रही है क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ हद तक आप रिलेट कर पा रहे हैं कि जब आप देखते हैं कि बहुत सारी चैनलों पर एक ही जैसी स्क्रिप्ट एक ही जैसी भाषा एक ही समय पर चलने वाले शो में ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी लाइन लेंथ सब कुछ एक जैसा होता है यानी वो बेसिक एडिटर इन चीफ कहा बैठा है उसके ऊपर आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने एक नाम उन्होंने आप सब लोगों के सामने रखा है कि वो कौन है हिरेन जोशी अखबारों में भी शायद मुझे लगता है इतनी हिम्मत नहीं है इसको कवर करने की लेकिन अभी तक जो वेबसाइट्स पे खबर आई है एच डब्ल्यू के ऊपर आई है स्क्रोल पे आई है और साथ ही जनसत्ता ने इसे अभी तक कवरेज दी है आई एम श्योर धीरे धीरे करके और भी न्यूज पेपर इसमें हिम्मत दिखाएंगे न्यूज चैनल में तो हिम्मत होने नहीं वाली है लेकिन जरूर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो एक और जनरेट किया जाएगा व्हाट्सएप कि आखिर इस पूरी बात को किस तरह से खंडन करना है क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अब तो उनको पूरी तरह से मीडिया को हिदायत दी जा चुकी है कि अरविंद केजरीवाल का जो तो स्टेटमेंट है बिल्कुल नहीं दिखाना है देखिए आज तक पर किसी ने उसका पोर्शन ट्वीट किया है और आपको बताया है कि कैसे आज तक पर जब अरविंद केजरीवाल की लाइव प्रेसर चल रहा था लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी मतलब लाइव भाषण चल रहा था उस वक्त जैसे उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया हिरेन जोशी का और उसके बाद ये सारी बातें बताई कि कैसे गंदी गंदी गाल लेते थे एकदम तुरंत एकदम उसको बंद कर दिया उसको बिल्कुल खत्म कर दिया और अब तक वो बात लेकिन फिर भी पहुंची गई रोहिणी सिंह आगे लिखती हैं उन्होंने कई सारे सीरीज और ट्वीट किए हैं वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी इंटरेस्टिंग होगा कि ए किस तरह से केजरीवाल के स्टेटमेंट ऑन हिरेन जोशी को कैरी करती है हैव एनी ऑफ द नोएडा एंकर्स वेडेड ऑन इट व जस्ट रिपोर्ट इट एज इट इज या कहीं मतलब डिनाइल भी मत करो कुछ भी मत करो क्या इस तरह से जैसे अभी तक अखबारों ने जैसे कि अभी तक ये वेबसाइट्स ने जैसे मैंने आपको बताया एच डब्ल्यू स्क्रोल जनसत्ता इन्होंने एज इट इज रिपोर्ट किया है जो मैं आपको बता रही हूँ मैं भी आपको एज इट इज ही रिपोर्ट कर रही हूँ कि आखिर अरविंद केजरीवाल का क्या आरोप है उन्होंने क्या आरोप लगाया मैं आपको एज इट इज बता रही हूँ कि एज इट इज करना भी क्या उन लोगों के बस की बात नहीं है अपना कोई ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है कोई बात बोलने की जरूरत नहीं है पर सिर्फ रिपोर्ट तो कीजिए खबर तो है अरविंद केजरीवाल ने नाम लिया है अगर यही इसी तरह के नाम नरेंद्र मोदी ले रहे होते अमित शाह ले रहे होते तो क्या ये मीडिया आपको नहीं दिखाता खबर अपने पूरे ओपिनियन के साथ दिखाता फाइनली उनके अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट को कोट करते हुए भी लिखती है फाइनली ये पोलिटिशियन कॉल्स आउट ही जोशी वंडर हाउ मेनी नोएडा मीडिया चैनल विल शो दिस क्योंकि इसके ये नाम के बारे में तो ऑलमोस्ट सबको पता ही है मीडिया में पर शायद आप लोगों को नहीं पता है स्वाति चतुर्वेदी पत्रकार लिखती हैं हैज हिरेन जोशी सेंड द व्हाट्सएप ऑन द ट्रीटमेंट एंड रन ऑर्डर ऑफ द केजरीवाल द पन्ना प्रमुख स्टॉप जर्नलिस्ट एट ईयर्स अगो ये हमेशा अक्सर इन सारे जो व्हाट्स फॉरवर्ड जिनके पास आते हैं ऊपर से एडिटर इन चीफ से और उसकी लाइन पर जब ये अपने कार्यक्रम चलाते हैं इन सारे चैनलों को जैसे आप गोदी मीडिया बोलते हैं उन सबको स्वाति अक्सर पन्ना प्रमुख कहकर बुलाती है तो पन्ना प्रमुख कह रहे हैं कि आठ साल पहले ये लोग तो जर्नलिस्ट होना ही बंद हो चुके हैं एंड नाउ कांट इवन रिपोर्ट अबाउट मोदी एंड हिज व्हाट्सएप मैन हु कंट्रोल्स रिपोर्टिंग और अब इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मोदी और उनका जो व्हाट्सएप आदमी है जो इन लोगों को कंट्रोल करता है उनके बारे में दिखा सके अरविंद केजरीवाल जो है वो ये भी बोल रहे हैं ये भी बता रहे हैं कि आप ये सोचो कि अगर किसी ने से स्क्रीन ही बना दिया आपका और आपके तो कई लोगों ने वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी रखी हुई है वो यही सारी चीजें सामने ला दी अगर तो क्या होगा आपका और अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट पर वो सवाल पूछती है की कि कि केजरीवाल ने एक्सपोज किया है करंट एडिटर इन चीफ ऑफ द पन्ना प्रमुख को जिनका नाम है हिरेन जोशी पीएमओ जो है वो उनको अपने टेम्ड मीडिया को थ्रेटन कराने के लिए क्यों कहते हैं विल ए एन आई एन द गोदी चैनल टेलीकास्ट केजरीवाल बाइ इसके अलावा एक और पत्रकार अभिषेक बख्शी वो लिखते हैं फाइनली समवन कॉल्स आउट हिरेन जोशी फाइनली किसी ने तो हिरेन जोशी के बारे में बताया और ये कहा कि हिरेन जोशी क्या करते हैं इट इज इम्पेरेटिव फॉर द सीनियर एंकर बहुत जरूरी है कि जितने भी सीनियर एंकर और संपादक है और जो प्रोपराइटर्स हैं की वो डिनाई तो करे वरना उनकी जो साइलेंस है वो एक तरह से एक्सेप्टेंस होगा इस बात का की येस जो केजरीवाल कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी भी एक बार लिख चुके हैं किसी के ट्वीट के जवाब में हिरेन जोशी जो है वो डर्टी ट्रिक्स डिविजन ऑफ पीएमओ का पार्ट है मीडिया मैनेजमेंट उनका एक कई सारे कामों में से एक काम है हिज क्लेम्ड पी एच डी नीड्स टू बी असेस्ड और देखिए किस तरह की हेडलाइंस यूज की है एच डब्ल्यू ने तो हेडलाइन uh, का इस्तेमाल किया है लिखा स्टॉप थ्रेटनिंग मीडिया केजरीवाल टू पीएम मीडिया एडवाइजर हिरेन जोशी और एज इट इज जो थी खबर जो आरोप है अरविंद केजरीवाल का उसको डिनाई अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए अगर करना है लेकिन बात यही है कि डिनाई करेंगे चैनल को दिखाना पड़ेगा चैनल दिखाएंगे तो ये खबर भी आप लोगों के सामने आ जाएगी एक तरह से हिरेन जोशी का नाम सबके सामने आ जाएगा जो अभी तक बहुत ही गुमनामी में और आप लोगों के सामने नहीं एक फ्रंट फेस की तरह नहीं है सब कुछ वो कर रहे हैं लेकिन फ्रंट फेस की तरह आपके सामने आईटी और कम्युनिकेशंस के तौर पर उसका हेड या और कौन ये सारे काम कर रहे हैं वो आपको पता है कौन है लेकिन इनका नाम नहीं आता है बट ये जो आरोप लग रहा है वो बेसिकली यही है दैट ही इज द रियल मैन तो इसके ऊपर अभी तक ना कोई खबर आ रही है ना कोई डिनाइल आ रहा है लेकिन सवाल फिर मेजर यही है कि अरविंद केजरीवाल का इतना बड़ा आरोप अभी अगर ये आरोप किसी और के बारे में होता किसी और लीडर के बारे में होता आप ये बस इसको फर्ज करके देखिएगा अगर यही अरविंद केजरीवाल अभी कोई आरोप लगा रहे होते राहुल गांधी के ऊपर या अगर आरोप अमित शाह नरेंद्र मोदी लगा रहे होते अरविंद केजरीवाल के ऊपर या कोई भी आरोप लगाता है किसी और अपोजिशन लीडर के ऊपर तो बहुत जल्दी ये सारे चैनल्स आपको दिखा देते हैं इनकी चुप्पी अपने आप में कई सारे सवाल और खड़े कर रही है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो पहुंचाइए वो सभी नाम वो सवाल जो हमारे जहन में इस वक्त आ रहे हैं वो लोगों के मन में भी खड़े होने चाहिए ताकि सवाल हमेशा इस लोकतंत्र में पूछे जा सके सत्यमेव जयते